चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रिवीजन फॉर हाफ ईयरली एग्जाम एंड टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। चिल्ड्रन, हमने कल नंबर 1 क्वेश्चन को समझाया था, आज हम नंबर 2 क्वेश्चन को समझाने जा रहे हैं जो हमारे बायोलॉजी सेक्शन से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन है कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर दोज वेयर वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन इज प्रेजेंट, एग्जांपल ह्यूमंस, बर्ड्स एंड स्नेक्स। वर्टिब्रेट्स वैसे एनिमल को कहते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम मीन्स रीढ़ की हड्डी, जो हमारे बॉडी में, हमारे बैक में, हमारे पीछे जो हड्डी पाई जाती है, आप अपने हाथ से जब उसे टच करके देखोगे तो हमारे पीठ के बीच में एक बैकबोन, एक वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए बहुत लंबी हड्डी नज़र आएगी, जिसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। जिस भी एनिमल में ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ये बैकबोन पाया जाता है, वैसे एनिमल को हम लोग वर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं। इसके एग्जांपल ह्यूमन, बर्ड्स, स्नेक्स, ये सब हैं। तो वर्टिब्रेट्स एनिमल के क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं? तो वर्टिब्रल कॉलम के फीचर्स ये हैं कि इसके नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो काफ़ी एडवांस होते हैं। जिस भी एनिमल में वर्टिब्रेट्स, जो एनिमल वर्टिब्रेट्स हैं उसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और ये नर्वस सिस्टम बहुत एडवांस होता है, काफ़ी लार्ज होता है। इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी जो सिस्टम्स होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इनके ब्रेन काफ़ी तेज होते हैं। ये सब सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स वाले एनिमल्स में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है इन वर्टिब्रेट्स। इन वर्टिब्रेट्स आर दोज दैट डू नॉट पॉसेज अ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। इन वर्टिब्रेट्स वैसे एनिमल को कहते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं पाया जाता। इसके एग्जांपल्स हैं इंसेक्ट्स एंड फ्लैटवर्म्स। इसमें इस तरह के छोटे छोटे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनके लाइफ हिस्ट्री, इनके लाइफ स्पैन के जो पीरियड होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ये कुछ ही दिनों तक जिंदा रहते हैं, और इनके ब्रेन उतने डेवलप नहीं होते, इनमें बैकबोन नहीं पाया जाता है, और ये काफ़ी छोटे एनिमल्स होते हैं। इस तरह से वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में और भी बहुत सारे डिफरेंसेज हैं और बहुत बड़े डिफरेंसेज हैं। इस तरह से आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आपके ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे अपनी साइंस कॉपी में लिख करके इसे लर्न करिएगा। थैंक यू।